आज देखेंगे अपन फाइल को लिंक करना है ना, इसका टाइटल होता है हाइपरलिंक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फाइल को लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक फाइल फ्रॉम अनदर फाइल। ठीक है, एक फाइल में दूसरे फाइल को लिंक करेंगे। ठीक है, और वन पैराग्राफ टू अनदर, है ना, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में लिंक करना। दो टाइप के होते हैं ये, है ना, कितने टाइप का होता है, हाइपरलिंक, है ना, दो टाइप का। नंबर वन इंटरनल, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इंटरनल में ये होगा, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को, ठीक है, और एक फाइल से दूसरे फाइल में लिंक को बोलते हैं एक्सटर्नल हाइपरलिंक। ठीक है, उल्टा पढ़ते हैं इसको, पहले एक्सटर्नल कर लेते हैं फिर इंटरनल करेंगे। अब इसके लिए जो टैग यूज होगा वो यूज होगा ए टैग, है ना, क्या यूज होगा, ए टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं एंकर टैग, समझ आया। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे वो देखो, है ना, ए एच आर ई एफ, एक एट्रीब्यूट होता है एच आर ई एफ। एच आर ई एफ का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ यू आर एल पास करेंगे, क्या पास करेंगे, यू आर एल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, अब इसके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे, एक तो होगा एच आर ई एफ, एच आर ई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, अब एच आर ई एफ की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें यू आर एल पास करेंगे, है ना। यू आर एल का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, मतलब वेयर द फाइल इज स्टोर्ड या सेव, फाइल कहाँ पे सेव हो रखी है, लिंक्ड फाइल, है ना, वेयर द लिंक फाइल इज सेव, मतलब एड्रेस, और है ना, पाथ ऑफ लिंक्ड फाइल, जो लिंक्ड फाइल है उसका पाथ क्या है, एड्रेस क्या है, वो इसका सिंटेक्स क्या लिखेंगे, ए एच आर ई एफ, अब यहाँ पे एड्रेस लिख दो जिस फाइल को बुलाना है। अब कोई फाइल अभी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर है, तो यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, देखते हैं गूगल ओपन होता है कि नहीं। नहीं खुला, पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन बुलाना है, एच टी टी पी एस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये लिखना पड़ेगा पूरा।
कोलन स्लैश स्लैश। भूल गया कैसे लिखना पड़ेगा, समझ आया? ये हो गया एंकर टैग। है ना, ये एचआरएफ एट्रीब्यूट है, ये एचआरएफ का है एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट टू क्या पास है ना, फाइल एड्रेस। नेम ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल। आगे समझ में? हाँ। और ये हो गया हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, ऑफलाइन फाइल के लिए एक फाइल और यहां बना लेते हैं नई। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं यहां पे, सेव कर लिया, इसका नाम देते हैं बी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब इसका लिंक यहां पे कर देते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, एक ही एड्रेस पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखेंगे, बी डॉट एच टी एम एल। अब इस पे चलाते हैं अपन, ठीक फेस करा, क्लिक करा, ओपन हो गया है ना, आ गई ना फाइल, लिख लो। ये वाली फाइल जब ओपन होगी ना तो इसको ओवरराइट कर देगी, मतलब इसी के ऊपर खुलेगा। हम चाहते हैं अलग से नए टैब में खुले, क्लिक किया यहीं पे आ गया, नहीं हम अलग से चाहते हैं इधर नए टैब में खुले, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टारगेट, है ना, क्या यूज करेंगे, और टारगेट ब्लैंक कर देंगे। अब देखो अलग से ओपन होगा, ठीक है, वो वाली फाइल है, ये वाली भी अलग से खुली, समझ आया? ठीक है ना, तो इसलिए टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, आपको ये बताता है कि फाइल कहाँ पे ओपन करनी है आपको, ठीक है ना। देखो ओपन द लिंक, ये रहा है ना टारगेट एट्रीब्यूट यूज्ड टू सेट
द प्लेस और टैब है ना, या फ्रेम टू ओपन फाइल और लिंक में न्यू टैब, ठीक है। टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर न्यू लिखो या ब्लैंक लिखो, क्लियर है। चलो ऑनलाइन क्या लिख लो। लिख लो, तो ये तो भी हुआ कि नए टैब में ओपन होगा, नए टैब में ओपन नहीं होना है, अब यहीं पे ओपन होना है एक एरिया में। क्लिक किया, फाइल यहां खुल के देखेगा, ऐसे दूसरा कोई लिंक रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहां ओपन होगा। तो पेज के अंदर में कोई दूसरा पेज यदि कंटेन करवाना हो तो उसके लिए एक टैग यूज करते हैं आई फ्रेम। क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आई फ्रेम। देखो यहाँ पे, यहाँ पे ले लेंगे आई फ्रेम, ठीक है। हाँ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, एफ। यहाँ टारगेट पे लिख देंगे एफ, इसके विड्थ और हाइट भी सेट कर दे रहे हैं। तो क्लिक करो, समझ आया, क्लिक किया यहीं खुल गया ना। चलो लिख लो, असाइनमेंट सुन लो, ठीक है। इसको यहां से बी आर कर देते हैं ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पेज बनाने, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फेसबुक और गूगल वगैरह नहीं खुलेगा यहाँ पे, समझ आया। हाँ फेसबुक और गूगल के लिए अलग टैब चाहिए, वो इस फाइल में लाके नहीं ओपन होगा। ऐसे तो कोई फिर अपना फेसबुक बना देगा लोग, हैं खुद का फेसबुक और गूगल बना देगा ना, यही खुलने लगेगा तो अपनी वेबसाइट बनाएगा और वहीं पे खोल देगा, इसलिए वो अलाउ नहीं है, ठीक है ना। बाहरी दूसरी साइट को नहीं खोल सकते यहाँ पे, ठीक है। हाँ लोकल सिस्टम का कोई फाइल हो तो ओपन हो सकता है। तो एक लिंक बनाना है यहाँ पे, होम कॉन्टैक्ट सर्विसेज, ठीक है, ऐसे लिंक बनाने हैं तीन चार। है ना, ऐसे तीन चार लिंक बना लेने हैं। हाँ समझ में, एक पे क्लिक किया यहाँ फाइल ओपन हुआ, दूसरे पे क्लिक किया दूसरा फाइल ओपन हुआ, और तीसरे पे क्लिक किया तीसरा फाइल ओपन हुआ, ठीक है। ऐसे तीन चार फाइल बनाने हैं और क्लिक किया तो फाइल यहाँ ओपन होता जाएगा, ये असाइनमेंट करना, ठीक है। आप कुछ इसका प्रॉपर्टी जान लो, वो क्या है कि जैसे इंटरनल हाइपरलिंक कल बताऊंगा, याद दिलाना है ना। ये नोट करना, ठीक है। क्या एक्टिव कलर जो होता है डिफॉल्ट रेड होता है, जैसे ये वाला है ना, जैसे इस पे क्लिक करके रखो, देखो रेड है। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक्टिव कलर डिफॉल्ट क्या होता है लिंक का, रेड होता है। होल्ड करके रखना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे इस पे ऐसे दबा के रखो, रेड होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट टाइम लिंक होता है उसमें ब्लू रहता है। हाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब क्लिक नहीं करा था उस समय इसका ब्लू कलर था, बाद में इसका
ठीक है, ये कौन सा कलर है? पर्पल हो गया, ठीक है। हाँ, एक बार क्लिक करने के बाद ये ध्यान रखना, तो वही चीज यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है ना। क्या होता है, विजिटेड जो होता है वो वॉलेट हो जाता है। क्या होता है? पर्पल नहीं, वो वॉलेट है एक्चुअली, ठीक है। हाँ अब ये जो रंग है हम चेंज कर सकते हैं बाद में। अच्छा, जितने भी लिंक टेस्ट होते हैं उसमें देखो अंडरलाइन आता है, आ रहा है? इस अंडरलाइन को बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ये हम सीएसएस से चेंज कर सकते हैं बाद में, सीएसएस पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। क्लियर है? सीएसएस में अपन चेंज कर सकते हैं, तो बस ये चीजें नोट करके रख लेना। अब देखो इंटरनल हाइपरलिंक है ना, ये ठीक है। इंटरनल हाइपरलिंक में क्या होगा, मान लिया हमने तो कुछ पैराग्राफ बना लिया, ठीक बहुत सारा पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखो स्क्रॉल करके आना पड़ रहा है नीचे, है ना। हम स्क्रॉल करके नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ रहे उस पर क्लिक करें तो हम नीचे आ जाएं, दोबारा इस पर क्लिक करें तो ऊपर चले जाएं, एकदम सबसे ऊपर, स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो देखो जहां से जाना है वहां पे लिखेंगे ए एच आर ई एफ हैस, ठीक है, और कुछ भी लिख दिया, एबीसी यहाँ लिख दिया गो। अब ये एबीसी यहाँ पे हैस करा ना, यहाँ पे हैस करा, रेफरेंस दिया एबीसी। अब जहां पे जाना है, मान लिया यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिख देंगे नेम, एंकर नेम एबीसी, जो ऊपर नाम सेम रहेगा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अब इस पे क्लिक करोगे, एक तो है कि स्क्रॉल करके आ सकते हो, ठीक है, दूसरा है सीधा इस पे क्लिक करेंगे तो वहां आ जाएंगे, समझ में आया। ये होता है इंटरनल हाइपरलिंक, क्लियर हुआ कहानी? देखो इस पे क्लिक किया वहां पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो जहां से जाना है वहां पे ये लिखते हैं, ठीक फ्रॉम वेयर टू गो, वहां पे ये लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम वेयर और ये हो गया टू गो, जहां पे जाना है वहां पे ये लिखते हैं, ठीक है। हैश के साथ, एच आर ई एफ में हैश के साथ नाम, फिर नेम में यही वाला नाम सेम, ठीक है।